जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने एक पत्रकार वार्ता में बताया कि 28 फरवरी को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी पूर्वी जोन सचिन नायक गोरखपुर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंधित समीक्षा बैठक सर्किट हाउस के सभागार में करेंगे तथा पार्टी प्रत्याशी के चयन और संगठन की मजबूती पर भी चर्चा करेंगे। राकेश यादव ने बताया कि बैठक में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पार्षद और जिला व महानगर के पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने बताया, 28 तारीख को हमारे सह प्रभारी AICC मेंबर श्री सचिन नायक जी जो है वो गोरखपुर आ रहे हैं और गोरखपुर में समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें हमारे शामिल रहेंगे हमारे पूर्व MP, पूर्व MLA, MP और MLA के चुनाव लड़ चुके लोग, जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारीगण, महिला संगठन की अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और उनके पदाधिकारीगण, तमाम फ्रंटल संगठन के लोग उनके अध्यक्ष उस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे और जो चुनाव लड़ने वाले हमारे प्रत्याशी जो हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो उसमें शामिल होके अपनी बातों को हमारे सह प्रभारी से बताएंगे और वो उस पर चर्चा करेंगे। बूथ स्तर तक हमारी कांग्रेस कैसे मजबूत है, कहाँ तक बूथ स्तर तक कार्यक्रम हुए हैं, कौन सा प्रत्याशी जो टिकट मांग रहा है बूथ स्तर तक कितना जाके काम किया है, इसकी वो समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में केवल गोरखपुर लोकसभा से संबंधित लोग ही रहेंगे। बांसगांव का मेरा 7 तारीख को है और गोरखपुर लोकसभा जो है मेरा 28 तारीख को है। गोरखपुर ज़िले में हमारा संत कबीर नगर का भी एक छोटा हिस्सा पड़ता है जो 27 तारीख को शाम को संत कबीर नगर में ही उसकी बैठक है जिसमें जिला अध्यक्ष को शामिल होना है संत कबीर नगर जाके उस बैठक में। 28 तारीख को वो प्रभारी जी स्वयं गोरखपुर में लेंगे जिसमें गोरखपुर लोकसभा की बात करेंगे। बांसगांव लोकसभा की बातें 7 तारीख को बांसगांव में।